प्रदेश में हुए विधानसभा की 11 सीटों पर उपचुनाव में सीएम योगी को लगा है बड़ा झटका। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। इस बार सबकी निगाहें आजम खां के गढ़ रामपुर पर थी। इस बार फिर से भाजपा और सपा के बीच घमासान था। दोनों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई थी, लेकिन सीएम योगी की तमाम कोशिशें हुई नाकाम। तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी आजम खां का किला नहीं भेद पाई। बीजेपी आजम खां को आजम खां के गढ़ पर एक बार फिर नहीं हरा पाई। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले में आजम खां जो हैं वो अपना घर बचाने में कामयाब हुए हैं। लोकसभा के बाद आजम खां ने उपचुनाव में भी अपने गढ़ को बचाया है। यही नहीं बल्कि अपने विरोधियों को बताया है कि रामपुर से जीतना दूसरों के लिए कितने टेढ़ी खीर है। इस हाई फाइल मुकाबले में आजम खां ने अपनी पत्नी को तंजीम फातिमा को खड़ा किया था और तंजीम फातिमा ने भारत भूषण को करीब 7,500 वोटों से मात दी है। जब से वोटों की पेटियां खुलना शुरू हुई थी, जब से ईवीएम मशीन पर काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, तब से ही आजम खां की जो बीवी तंजीम फातिमा थी वो आगे चल रही थी और भारत भूषण जो थे वो उनके पीछे थे। और काउंटिंग ख़त्म होने के बाद तक तंजीम फातिमा जो है वो आगे चली। भारत भूषण किसी भी टाइम जो है वो उनके करीब नहीं पहुँचा या किसी भी टाइम जो है वो करारी कांटे की टक्कर नहीं हो पाई। एक तरीके से चुनाव जो है ये एक तरफा ही रहा। जैसे कि आजम खां जब भी खड़े होते हैं या उनके परिवार के सदस्य खड़ा होता है तो चुनाव एक तरफा ही रहता है। गौरतलब यह है कि मुकदमों के जाल में फंसे आजम खां, जिन पर 82 मुकदमे दर्ज हुए थे, पूरे चुनाव प्रचार में आजम खां ने खुद को पीड़ित बताया, खुद को मजलूम बनाकर जो है उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं एक पीड़ित हूँ, मेरे ऊपर योगी सरकार जो है जुल्म कर रही है, मुझे और मेरी परिवार को जो है वो सताया जा रहा है। कई बार आजम खां जो है वो अपनी स्पीचों में जो है वह भावुक हुए और कई बार आजम खां जो है वो रोई भी। वीर आजम खां ही हैं जो 82 मुकदमों में फंसे होने के बाद भी जो है वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हुए हैं। इस बार उन्होंने अपनी धर्मपत्नी तंजीम फातिमा को खड़ा किया था और रामपुर की जनता ने आजम खां को जितना प्यार और मोहब्बत दिया है उतनी ही प्यार और मोहब्बत जो है वो तंजीम फातिमा को भी दिया और उनके प्यार और मोहब्बत जो है उनके वोट्स में नज़र आए। हालाँकि जो मतदान था वो काफ़ी कम हुआ था रामपुर में, लेकिन इस कम मतदान में भी आजम खां ने बजा दिया है जीत का विगुल। तो फिर किसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर से आप रहें रूबरू।